पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने दो मॉडल देखा और दोनों में अलग अलग शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया, जैसे सियाल, सीमा, निफे। दूसरा था लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। लेकिन आज पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में तीन नए टर्म्स आए हैं, जिसमें सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट भूपर्पटी, उसके नीचे मैंटिल और सबसे केंद्र वाले भाग को कोर या क्रोड कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये तीन कैसे अलग किए जाते हैं, इनकी डेप्थ क्या है और इनके अलग करने का आधार क्या है। हमने दो मॉडल जो सीखा था उसमें टेम्परेचर और डेंसिटी पर विशेष ध्यान दिया गया था, लेकिन हम जो ये तीसरा मॉडल देखने चल रहे हैं इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी तो है ही, क्योंकि पृथ्वी की सतह से करोड़ में जाने पर इसमें दोनों में बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर में भी और डेंसिटी में भी। लेकिन इसके अध्ययन का जो मुख्य आधार है वो है सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें। और पृथ्वी के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर या कभी कभी 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर डीप फोकस उत्पन्न होते हैं, गहरे मूल के भूकंप। तो यह भूकंप प्राइमरी वेव के द्वारा पृथ्वी के केंद्र से होकर के और अपोजिट साइड में चले जाते हैं, अर्थात जैसे हमारी पृथ्वी के किसी पॉइंट पर एक भूकंप डीप फोकस, सपोज कि 300 किलोमीटर की गहराई पर, सतह से 300 किलोमीटर गहराई पर एक हाइपोसेंटर डेवलप हुआ, तो वहाँ से पी वेव्स पृथ्वी के करोड़ को पार करती हुई अपोजिट यहाँ आ जाती हैं 21 मिनट के समय में। इसलिए वो सेस्मिक वेव ये खबर देती हैं कि कितनी गहराई पर कितनी डेंसिटी है, कितना टेम्परेचर है, वो सेस्मिक वेव से बता देती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई युद्ध भूमि से आपके पास आए तो उसका फीचर बता देगा कि युद्ध भूमि से आ रहा है, या कोई ससुराल से होके आ रहा है, ननिहाल से होके आ रहा है, तो उसके लक्षण बता देते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। उसी तरह से ये सेस्मिक वेव में पी वेव जितनी लेयर से जाती हैं उन सबका सिम्टम वो कैरी ऑन करती हैं, और इस तरह से अपोजिट साइड में रखा हुआ सेस्मोग्राफ पृथ्वी के अंतराल की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह उन दोनों मॉडल की अपेक्षा ज़्यादा प्रामाणिक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने का आधार है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। जियोडेसी एक साइंस है भूगणितीय, और जियोफिजिक्स भी एक साइंस है भूभौतिकी। जियोडेसी के अंदर हम पृथ्वी के कर्वेचर की स्टडी करते हैं, पृथ्वी फ्लैट न होकर के कर्व्ड सरफेस इसका है, तो कितनी दूरी पर कितना कर्वेचर है इसकी स्टडी करते हैं। और जियोफिजिक्स में हम पृथ्वी की क्रस्ट इसके मैंटिल के साथ नहीं मूव कर पा रही है, बल्कि क्रस्ट और मैंटिल के बीच में एक ऐसी लेयर है जहाँ पर कि फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा का मतलब 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस एनर्जी जनरेट होती है, जिसको एस्थेनोस्फीयर या मिश्रित मंडल कहा जाता है। तो उस एनर्जी का कारण है फ्रिक्शन, और हम लोग उसी एनर्जी के आधार पर इसको पढ़ेंगे। लेकिन उस एनर्जी के कारण जो यहाँ जनरेट होती है लगभग 100 किलोमीटर गहराई पर, उस पर तैरती है पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट। तो पृथ्वी की पपड़ी जो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है, इस तैरने के कारण और इसके प्रभावों का अध्ययन ही कहलाता है जियोफिजिक्स या प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में अलग से सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स
जिसका आधार ये जियोथर्मल एनर्जी है और इसका आधार है सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी के अंतराल की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको पहले के देखे हुए दोनों मॉडल को फिर से एक बार दिमाग में रखना होगा। उसमें सबसे पहले ऊपर का सियाल था, उसके नीचे सीमा था, उसके नीचे निफे था। अगर आप मोटे तौर पर देख रहे हैं तो इसमें भी तीन परतें हैं, एक और यहाँ से दो और यहाँ से तीन, जिसमें सियाल, सीमा, निफे। या दूसरे मॉडल में इसको आपने लिथोस्फीयर कहा था और इसको पायरोस्फीयर और इसको बैरिस्फीयर। लेकिन यहाँ हम लोग जो लेटेस्ट टर्म के अनुसार हम इसको क्रस्ट कहेंगे और इसको मेंटल कहेंगे और इसको क्रोड कहेंगे। अब इसमें कई उप परतें हैं, सब लेयर्स हैं, और वो किस आधार बांटी गई हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उनका डेंसिटी और टेम्परेचर क्या है, आइए हम लोग एक एक देखते हैं। हमारी क्रस्ट ये पृथ्वी की सतह है, सतह पर हम खड़े हैं, गहराई यहाँ पर 0 किलोमीटर है हमारी सतह है। इससे 100 किलोमीटर नीचे जाने पर ये है पूरा क्रस्ट, और क्रस्ट में भी एक है अपर क्रस्ट, एक है लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में लगभग 11 किलोमीटर की डेप्थ पर कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी है, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में अलग से सीखेंगे कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट टकराती हैं तो ओशनिक प्लेट का अपर क्रस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे घुसता है। तो कितना मोटी परत घुसती है, लगभग 11 किलोमीटर, और उसी को कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी माने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी मिलती है। और अब टोटल मिलाकर ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट और उसके नीचे मेंटल है, 100 से और 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक मेंटल है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में हम लोगों ने सीखा है कि एक डिस्कंटिन्यूटी और है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट की स्पीड और मेंटल की स्पीड में डिफरेंस है, दोनों अलग गति से रोटेशन करती हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। और इसी को कहा जाता है मोहो रोविशिक डिस्कंटिन्यूटी। ये मोहो रोविशिक महोदय ने पता लगाया था, और शॉर्ट में इसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। और इसी को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर माने मेंटल के ऊपर की वह परत जो क्रस्ट के ठीक नीचे होती है, और क्रस्ट इसी पर तैरती है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक घर्षण होता है, फ्रिक्शन, और उस घर्षण से एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी 800 से लेकर के और 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट करती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एस्थेनोस्फीयर की एक ऊपरी परत है, सतह है, और एक निचली सतह है, तो दोनों में 800 टेम्परेचर कहाँ होगा, तो उत्तर सरल सा है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम देख रहे हैं कि केंद्र में जाने पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें एस्थेनोस्फीयर में 1200 नीचे की तरफ होगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, और 800 ऊपर की तरफ होगा। इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि यहीं से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जो सतह पर लावा कहलाता है, और लावा से ग्रेनाइट और बेसाल्ट बनते हैं, और वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। इसलिए आप इसको इस समय ध्यान में रखिएगा, ताकि ज्वालामुखी के चैप्टर में आपकी ये हेल्प करेगा। और इसको लो वेलास्टी जोन भी कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर को। क्यों लो वेलास्टी जोन? क्योंकि इसमें सेस्मिक वेव्स, विशेष रूप से प्राइमरी वेव्स की वेलासिटी लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, और धीमी होने के कारण यहाँ पर वो धीमे चलती हैं, और इससे इसके अस्तित्व या एग्जिस्टेंस का पता बताती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
जो क्रस्ट में पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ने की रेट क्या है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, एक किलोमीटर जाने पर इतना बढ़ता है। लेकिन यह रेट कहाँ तक है? 40 किलोमीटर की डेप्थ तक है। लेकिन 40 किलोमीटर से नीचे जाने पर टेम्परेचर फिर बढ़ता है और वह लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर 800 से 1200 हो जाता है। यदि पूछा जाए कि एस्थेनोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो आप 800 बताएंगे, 1200 बताएंगे या 1000 बताएंगे? तो जनरली इसको बुक्स में 1000 डिग्री सेल्सियस लिख दिया गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बढ़ते बढ़ते 4500 डिग्री सेल्सियस केंद्र में हो गया। इसको जियोथर्मल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, भूतापीय प्रवणता का मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र में जाने पर तापमान बढ़ रहा है, उसकी प्रवणता बढ़ रही है कि घट रही है, इसका निराकरण तो आप ही करेंगे। आप ही बताइए कि जैसे आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने में तापमान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसका उत्तर तो हम बाद में सीखते हैं, लेकिन बढ़ रहा है तो सत्य है। फिर पूछा जा सकता है कि सतह से केंद्र तक जाने में तापमान के बढ़ने की दर, जो इंक्रीज रेट है, वो बढ़ रही है कि घट रही है, इसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सतह से 100 किलोमीटर गहराई पर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, तो सतह से 6371 किलोमीटर केंद्र कितना बढ़ेगा? तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 100 किलोमीटर की डेप्थ पर 1000 बढ़ा तो 6300 किलोमीटर की डेप्थ पर 63000 होना चाहिए, लेकिन कहाँ उतना है, 4500 ही तो है। इसका मतलब क्या होगा कि सतह से एस्थेनोस्फीयर तक तापमान तेजी से बढ़ता है, अर्थात जियोथर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एस्थेनोस्फीयर से केंद्र तक तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, यानी जियोथर्मल ग्रेडियंट कम है। ये रही तापमान की बात, और ये रहा आपका मोहोरोविशिक डिसकंटिन्यूटी, और ये रहा आपका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर पर हम लोग जरा थम कर और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका संबंध हमारे पृथ्वी पृथ्वीवासियों से और भूपटपटी से ज़्यादा है, और हम लोग तो लालची हैं और इस समय ऊर्जा के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और कन्वेंशनल एनर्जी की ज़रूरत है। तो नेचर ने एनर्जी की फैक्ट्री तो बना ही दिया है, कारखाना है, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी गतिशील है, अपने अक्ष पर घूम रही है, और भूपरपटी यानी क्रस्ट मेंटल पर घूम रही है, घूमने में डिसकंटिन्यूटी है, और यदि दो चीज़ें एक तरह एक स्पीड से घूमें तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन दोनों की स्पीड में अगर डिफरेंस है तो घर्षण होगा, घर्षण से एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी की फैक्ट्री लगातार चल रही है। ये एनर्जी कहाँ जाएगी? क्या इस हाई सोर्स से और बड़े हाई सोर्स की तरफ एनर्जी जाएगी, या एनर्जी हाई सोर्स से लो सोर्स की तरफ जाएगी? इसका भी उत्तर आपको सोचना पड़ेगा। एनर्जी हमेशा हाई सोर्स से लो सोर्स यानी एस्थेनोस्फीयर से पृथ्वी की सतह की तरफ आएगी, दो रूपों में आएगी। यदि जमीन में छिद्र या दरार हो गई तो वाल्केनिक रूप में, और नहीं तो एनर्जी एक कण और दूसरे कण को गर्म करती हुई कंडक्शन विधि से ऊपर आएगी, और ये चट्टाने बहुत ज़्यादा गर्म होगी, कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो गर्म होगी। फिर एनर्जी चलेगी तो सतह के नीचे कहीं कहीं पर ग्राउंड वाटर भी तो भरा है, वो भी गर्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, अगर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस भी गर्म हो गया तो उसकी तो स्थिति खराब हो जाएगी, वो तो लिक्विड रह ही नहीं पाएगा, वेपर बन जाएगा। लेकिन वेपर निकलेगा कैसे?
उसी में पड़ा रहेगा, तड़फड़ाता रहेगा। लेकिन मानव की भी तो जरूरत है और उसको नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत की जरूरत है, इसलिए मैन यहाँ पर इस एनर्जी को निकाल लेता है जो अंदर गर्म पानी है, और उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ये है भारत में, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, और वर्ल्ड में कई प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ इस वेपर एनर्जी को निकाल कर लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये नव्यकरणीय है, समाप्ति नहीं होगी। हाँ, समाप्त हो सकती है, कब, यदि क्रस्ट और मेंटल एक स्पीड से चलने लगे। कभी नहीं ऐसा हो सकता है, दोनों में हारमनी हो ही नहीं सकती है, दोनों का नेचर अलग अलग है। इनका स्पीड, तबला अलग आवाज़ दे रहा है, हारमोनियम अलग, दोनों में हारमनी है नहीं, इसलिए एनर्जी यहाँ पर हमेशा जनरेट होगी। लेकिन जो अंदर पानी है, वाटर की जियोथर्मल एनर्जी, मनुष्य उससे अभी पूरा संतुष्ट नहीं हुआ है, उस थोड़ा सा और गहराई में जाना चाह रहा है। मनुष्य की लालच अभी पूरी नहीं हुई इस हॉट ग्राउंड वाटर से। उस लालच को पूरा करने के लिए, एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो जरा और नीचे देख रहा है, और नीचे जहाँ 600-700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर चट्टानें हैं, और वो चट्टानें जरूर से ज़्यादा गर्म है। मानव यदि किसी तरह से वहाँ पानी का इंजेक्शन डाल दे, इंजेक्शन से पानी पहुँचा दे, तो वो पानी तुरंत स्टीम बन जाएगा, और उस स्टीम को, वाष्प को अगर निकाल ले तो कल कारखानों के लिए कभी भी एनर्जी की क्राइसिस नहीं होगी। ऐसा एक बार आर्टिकल निकला था कि यदि 6-7 किलोमीटर की गहराई पर पानी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो 1 क्यूबिक मीटर राख से जितनी एनर्जी निकलेगी तो कोलकाता सिटी उतने से एक हफ्ते तक एनर्जी का ही यूज़ करे, उसी को खाए, उसी पर सोए, चाहे जितना एनर्जी यूज करे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, हमको नेचर में हस्तक्षेप करने से पहले, नेचर से पहले परमिशन लेना चाहिए। तो इसमें एक आकलन किया गया कि अंदर की चट्टानों की एनर्जी अगर निकाल ली गई पानी डालकर वेपर रूप में, तो कोलकाता सिटी एक हफ्ते तक भले ही एनर्जी का यूज करे, लेकिन खड़े खड़े यूज करेगा कि शीर्षासन करके करेगा, ये तो निर्णय प्रकृति सुनाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर चट्टानें जब सिकुड़ेंगी तो चट्टानों में एक अव्यवस्था होगी और भूकंप आ सकता है, जिसमें बहुमंजिला भवन शीर्षासन भी कर सकते हैं। इसलिए यह दूसरी एनर्जी थोड़ा सा रिस्क है इसमें प्रयोग करने की। और तीसरी एनर्जी जो कि इसमें लगातार एस्थेनोस्फियर में लहरा रही है, लबालब भरी है, इस एनर्जी को अगर आप निकाल लें तो फिर कोई क्राइसिस ही नहीं है। इसको एक बार ग्वाटेमाला में वालकैनो में हम लोग सीखेंगे, वालकैनिक एक्टिविटी हो रही थी और कुछ साइंटिस्ट उस एनर्जी के, माने वालकैनिक एनर्जी के चक्कर में वहाँ पहुँच गए। उनको नहीं पता था कि वो सर्च और रिसर्च कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी पर, लेकिन जिस जमीन पर खड़े हैं उसके नीचे का सब चट्टान लावा बनकर निकल चुकी है। बस उनका निर्णय हुआ नहीं कि उसके पहले प्रकृति ने निर्णय सुना ही दिया, जमीन धसक गई और खुद के खुदे गैस बन करके ऊपर चले गए। इसी प्रकार से एस्थेनोस्फीयर की एनर्जी भी आदमी इसका प्रयोग करने पर तुला हुआ है, और इस पर भी रिसर्च हो रहे हैं। जैसे अभी हाल के वर्षों में आइसलैंड में अंडरग्राउंड रिसर्च के लिए एक बोर होल लगाया गया, और बोर होल को करते करते पहुंच गया एक मैग्मा चैम्बर में। ध्यान रखिएगा कि इसी में मैग्मा मिलता है, जहाँ जहाँ मैग्मा ज़्यादा होता है उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और कोई भी पाइप अगर धंस कर मैग्मा चैम्बर में चली आए तो इसका मतलब कि ज्वालामुखी का मार्ग उसने प्रशस्त कर दिया, और वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन तेज़ी से हो सकता है। इसलिए ये जियोथर्मल एनर्जी यदि आपसे पूछा जाए तो तीन टाइप की होती है। एक ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर माने ड्रिंकिंग वाटर नहीं, लगभग 150 से 300 किलोमीटर की गहराई पर मिलने वाला पानी, और जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है।
और दूसरा है HDR और तीसरा है मैग्मा या लावा की एनर्जी, ये वाली सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह से हम लोग टेम्परेचर देखे क्रस्ट का और उससे देखे कि एनर्जी लगातार जनरेट हो रही है। अब हम लोग आइए देखते हैं मैंटिल, 100 किलोमीटर से और 2900 किलोमीटर के बीच को मैंटिल कहा जाता है। इसमें 700 किलोमीटर यानी 100 से 700 किलोमीटर के बीच को अपर मैंटिल कहते हैं और 700 से और 2900 किलोमीटर की गहराई को लोअर मैंटिल कहा जाता है। और ये दोनों के बीच में अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल के बीच में एक गैलिट्सिन लेयर है। गैलिट्सिन लेयर का काम क्या है कि दोनों में डिफरेंशियल मोशन और दोनों की डेंसिटी में भी अंतर होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और दोनों की टेम्परेचर में भी अंतर होता है। और इस तरह से डेंसिटी भी अंदर जाने बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। और इसमें एक है गटेनबर्ग चैनल। गटेनबर्ग चैनल आपकी ये लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर मिलती है, अर्थात 100 किलोमीटर ये हो गया और 200 यहाँ हो गया, इसके बीच में ये लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है, उसमें वेरिएशन भी होता रहता है। और इस परत में लिक्विड होता है, इसमें मैग्मा होता है, ये मैग्मा चैम्बर होता है। क्रस्ट इस 1.5 किलोमीटर मोटी परत पर तैरती है, लेकिन उसके नीचे इस क्रस्ट के दबाव से मैंटिल का अपर पार्ट, अपर मैंटिल का पार्ट कुछ तरल अवस्था में मोल्टेन स्टेट में है। क्रस्ट के नीचे अपर मैंटिल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर एक चैनल प्रवाहित होती है जिसको गुटेनबर्ग चैनल कहा जाता है। इस चैनल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसको हम एक सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे एक नाव नदी में या समुद्र में तैर रही है तो नाव के दबाव से पानी वहाँ से नीचे से डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन नाव जैसे ही आगे बढ़ती है तो पीछे का पानी एक चैनल या धारा के रूप में नाव का पीछा करता है। बस एग्जैक्टली वही पोजीशन है। हमारी क्रस्ट का कोई भी टुकड़ा जिसको कि हम लोग प्लेट कहते हैं, वो जब आगे बढ़ता है तो उसके दबाव से यह जो 1.5 किलोमीटर की मोटी एस्थिनोस्फीयर की पेटी है इस पर दबाव आगे बढ़ता है और पीछे से वो चैनल के रूप में मैग्मा दौड़ता है, उसी को कहा जाता है गटेनबर्ग चैनल। इसकी डेप्थ 100 से 200 किलोमीटर होती है और ये डिपेंड करता है कि क्रस्ट कितनी भारी है, उसका वेट कितना है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट भी दो प्रकार की होती है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक में सीखेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर, इस अपर मैंटिल में टेम्परेचर बढ़कर 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इस गैलिट्सिन परत के बाद हम लोग लोअर मैंटिल देखते हैं। लोअर मैंटिल में भी 1000 किलोमीटर की गहराई पर एक रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है। अब इसके बाद आयरन की कंटेंट ज़्यादा होने लगेगा और उसके बाद 2780 किलोमीटर की गहराई पर डाहम डिसकंटिन्यूटी है और यहाँ का टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद फिर 2900 पर तो मेन डिसकंटिन्यूटी है गटेनबर्ग। हाँ, आप इसका उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा कि गटेनबर्ग चैनल क्या है और गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है। गटेनबर्ग महोदय ने ही दोनों को बताया, लेकिन यहाँ चैनल बताया और यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी में डिफरेंशियल मोशन बिटवीन मैंटिल एंड कोर और इसी के कारण यहाँ पर भी एनर्जी जनरेट होती है और ये है 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर। और इस एनर्जी को कहा जाता है जियो थर्मल एनर्जी, लेकिन जियो थर्मल ही है, लेकिन यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर है कि इस हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर आयरन के कंटेंट भी हैं, इसलिए फ्रिक्शन के कारण जो यहाँ एनर्जी जनरेट होती है वो है
मैग्नेटिक एनर्जी, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन इसको जियो मैग्नेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। कैसे? हम लोग जब पृथ्वी का जियो मैग्नेटिज्म सीखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, और इसीलिए जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, साउथ पोल और पृथ्वी की सतह से 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मैग्नेटोस्फीयर या चुंबक मंडल मिलता है। लेकिन अभी यहाँ जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जियोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। पूछा जाए क्या कारण है? दो कारण है। एक तो आयरन रिच रॉक या आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, दूसरा प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है कोर। कोर 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। कोर में भी दो कोर है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। और इनर कोर का टेम्परेचर आप देख रहे होंगे कि 4500 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम, और दोनों के बीच में एक संक्रमण है, ट्रांजिशन। और ये प्योरली आयरन और निफे निकल और फेरियम का बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी इसके बाहर जनरेट होती है। और दूसरी चीज़ है कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक ट्रांजिशन बेल्ट है, संक्रमण पेटी है, और यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों? इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर आयरन मोल्टेन स्टेट में होगा, पिघली अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ का इतना प्रेशर है और प्रेशर के कारण इतना दबा हुआ है कि ये सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर ये गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सेमी लिक्विड स्टेट में है, आउटर और इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, जिसको कि प्लाज्मा अवस्था भी कहा जाता है। इस तरह से ये रहा हमारी पृथ्वी के अंतराल के बारे में, जिसका आधार है सेस्मिक वेव्स, लेकिन इसमें पुराने दो मॉडल का टेम्परेचर और डेंसिटी भी दी गई है। टेम्परेचर देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर देख रहे होंगे तो डेंसिटी भी लगातार बढ़ रही है। क्रस्ट की डेंसिटी है 2.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद अंदर जाने पर देखिए डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर डेंसिटी 5.5 है, फिर आपकी 12 है, और फिर यहाँ पर 17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अर्थात एक क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल लीजिए तो उसका वेट 17 होगा। इस तरह से डेंसिटी लगातार बढ़ रही है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे टेम्परेचर पूछा गया था, कि डेंसिटी के बढ़ने की दर बढ़ रही है या घट रही है, इसका उत्तर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रश्न इस पर और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो बुक्स में 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यों इतना है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये सारी फिगर जोड़ डालिए, 2.4, 4.7, 5.5, ये पांच फिगर हैं, पांचों संख्या को जोड़कर पांच से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर एवरेज आ जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा, क्योंकि वो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और मैथमेटिक्स ज्योग्राफी में काम पूरा नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन करना होगा। और आप बुक्स में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। क्यों है? यदि आप दूसरा गणित, दूसरी विधि गणित में निकालें कि 2.4 या 5 को 17 में जोड़ दें, 19 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो भी आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्योग्राफी में नहीं काम करेगा, यहाँ ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन करना होगा। अब आप बताइए कि अगर बुक्स में पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 लिख दिया गया है तो क्यों, क्या आधार उसका है? ज्योग्राफिकल है। इसमें देखना होगा कि हमारी क्रस्ट केवल 100 किलोमीटर मोटी है और मेंटल 100 से 2900 का मतलब 2800 किलोमीटर चौड़ा है, और फिर
ये वाला 2900 से यहाँ तक कम वॉल्यूम है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कोर का कि मेंटल का कि क्रस्ट का, तो उत्तर आ जाएगा मेंटल का। इसलिए मेंटल वाली डेंसिटी को ही एवरेज ले करके पृथ्वी की डेंसिटी कर दिया गया है। इस तरह से ये रहा पृथ्वी के अंतराल के बारे में, जिसमें कि भूकंपीय साक्ष्यों या तरंगों को विशेष रूप से आधार माना गया है, लेकिन इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी को भी ध्यान में रखा गया है। बस ये हो गया। अब इससे संबंधित कुछ साक्ष्य हैं जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक होमवर्क देना चाहेंगे, जिसको आज के सूर्यास्त के पहले कर डालिएगा। आज का सूर्यास्त अंतिम सूर्यास्त होना चाहिए, क्योंकि तीन लोक होते हैं, यह लोक, पाताल लोक, वह लोक। इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। पाताल लोक माने यहाँ से यहाँ तक जितनी परतें हैं आज आपको याद हो जाने चाहिए। लेकिन आप सिंपली बता दें क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो हमको कम अच्छा लगेगा। आप इसमें पूरा यहाँ से नीचे तक बताइए कि क्रस्ट है कोनराड डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, गटेनबर्ग चैनल, गॉलिटसिन लेयर, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, डाहम डिस्कंटिन्यूटी, गटेनबर्ग, आउटर कोर, ट्रांजिशन, इनर कोर। इतना आप अपना कोई मित्र पकड़ के आज बिना बताए बिस्तर पर न जाइएगा। लेकिन ये काम तो पूरा हुआ नहीं। अब हम आपको यहाँ से उड़ाएंगे ऊपर वायुमंडल में। सीखा होगा या सीखेंगे, वायुमंडल में जब सतह से ऊपर उठते हैं तो कई परतें मिलती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, टर्बोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर और मैग्नेटोस्फियर। फिर आपको पता होगा मैग्नेटोस्फियर के और ऊपर मिलता है आपका सेलेस्टियल स्फियर, और ऐसा करते करते आप संपाती बन गए। और आप जटायु और संपाती ये दो रिसर्च स्कॉलर्स थे जो सूर्य में अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनको राम की सेवा करना था, लौट आए। लेकिन हम आप तो नहीं लौटेंगे, कहाँ राम की सेवा का दिल में स्थान ही नहीं है, घुस लीजिए सूर्य में। अब बोलिए कि सूर्य के अंदर कौन कौन परतें हैं। सबसे ऊपर की रेडिएटिव जोन, उसके नीचे अंदर जाने पर कन्वेक्टिव जोन, और अंदर क्रोर। बस इतना काम अगर कर लीजिए तो आज शाम को आप अन्न ग्रहण करके और बढ़िया सोइएगा आराम से। शंटिंग अर्थात हम आपसे पूछेंगे या कमीशन पूछेगा कि पृथ्वी के क्रोर से और सूर्य के क्रोर तक आपको यात्रा करना है, तो आप यहाँ से गिनाते हुए पृथ्वी पर आके खड़े होकर कुछ देर राहत की सांस ले लीजिए। अच्छी हवा है ना, आबो हवा, पानी भी है, हवा भी है। लेकिन इसके बाद अब उड़ चलिए जटायु संपातिक चरा और वायुमंडल की सभी परतों को बताते हुए फिर आप सूर्य के अंदर घुस जाइए, सूर्य के क्रोर पर। फिर सूर्य देवता कहेंगे पुत्र यहाँ कैसे जाओ अपने लोक में, तो वहाँ से फिर काउंटिंग करते हुए और फिर पृथ्वी की सतह पाइए। लेकिन यदि आप किसी गड्ढे में गिरे जिसका छेद यहाँ तक है तो आपको फिर गिनाते जाना होगा, और अगर इसको आपने देख लिया तो आप त्रिलोकदर्शी हो गए। यही त्रिलोक दर्शन है। और आप आँख मूंद करके बता सकते हैं कि हम पृथ्वी के कोर से और सूर्य के कोर तक की यात्रा कर चुके हैं।